न्यूक्लियर प्लांट से बहुत बड़ा खतरा है। IAEA का कहना है ये एटमी प्लांट की सुरक्षा की स्थिति बिगड़ी है, ये कहा गया एटमिक एनर्जी एसोसिएशन की तरफ से। प्लांट के पास ड्रोन अटैक की जांच जारी है। IAEA की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है कि इस प्लांट के आसपास की स्थिति जो है वो बिगड़ी है। मैं अतुल सर आपके पास आ रही हूँ क्योंकि इस बात पर नजर है, इससे पहले रूस भी हमले करता रहा है इस इलाके के आसपास। अब रूस ये दावा कर रहा है कि ये हमले यूक्रेन ने जानबूझ के किए हैं, यूक्रेन इन सब हमलों को अंजाम दे रहा है, जिस तरह की रूस दावा कर रहा है, आपको लगता है कि अब ये जो चेतावनी दी गई है IAEA की तरफ से उसे सुना जाएगा? देखिए, ये IAEA ने जो अभी चेतावनी दी है, शुरुआत से ही वॉर, जब से शुरू हुई है यूक्रेन वॉर, तभी से हम देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियर का जो थ्रेट बना हुआ है वो हमेशा से बना रहा है। इस वॉर में पुतिन ने भी यूज़ किया थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन, और उसके बाद अगर अभी इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है यूक्रेन के पास, पर वो इस तरीके से अगर जो रशिया के पास अभी ज़ापोरिज़्या का जो न्यूक्लियर प्लांट है जो उसको ऑक्यूपाई करा हुआ है, अगर वो उस पर अटैक करता है तो ऑफकोर्स वो भी एक न्यूक्लियर थ्रेट ही उसको माना जाना चाहिए। तो वॉर जो है एक संगीन मोड़ ले लिया है वॉर ने, और अगर न्यूक्लियर की तरफ बढ़ती है वॉर तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। फिर इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बहुत इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना होगा, सिर्फ इसीलिए नहीं कि एक तरफ से वेपन्स दिए जाएं यूरोप की तरफ से, दूसरी तरफ से चीन की तरफ से वेपन्स आएँ, बट ये फिर एक नया मोड़ ले लेगा, एक पीस की तरफ मोड़ ले लेगा कि किस तरीके से इसको रोका जाए। अभी तक कोई भी नहीं सोच रहा कि इस वॉर को रोका कैसे जाए। जी बिल्कुल, और सवाल यही कि क्या वाकई में ये जो युद्ध है वो रोकता हुआ नजर आएगा या फिर जो हालात है और ज्यादा भीषण युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, कुर्स्क में यूक्रेनी ठिकानों पर प्रहार हुआ है, रूस ने योद्धा हेलीकॉप्टर से अटैक किया, यूक्रेन के कई ड्रोन को मार गिराया गया है। तो कुर्स्क जहां पर यूक्रेनी सेना दाखिल हो गई है, एक बहुत बड़े इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। अब रूस लगातार कोशिश में लगा हुआ है कि जल्द से जल्द ये जो इलाका है वो खाली करवाया जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अटैकिंग हेलीकॉप्टर के जरिए कैसे रूस की तरफ से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया गया, जरा देखिए और सुनिए वहां के हालात। खबर यूक्रेन की एटमी साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है, परमाणु जंग भड़काना चाहता है यूक्रेन, ये कहा जा रहा है। रूसी राजनीतिज्ञ रोस्तिस्लाव का दावा सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है डर्टी बम से हमले की साजिश रच रहा है यूक्रेन। जिस तरह की बात कर रहे थे सिवाक सर, डर्टी बम की जो साजिश है वो रची जा रही है, और ये रूस भी कह रहा है अमेरिकी टैक्टिकल वॉरहेड से हमले की आशंका है, अपने ही इलाके पर एटमी हमला कर सकता है यूक्रेन, ये दावा किया जा रहा है, इसकी साजिश बताई जा रही रूस की ओर से। तो साजिश ये बताई जा रही कि यूक्रेन की तरफ से डर्टी बम का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके बाद कैसी तबाही मचेगी इसको लेकर क्या जानकारी है आपको सीधा बिग वॉल का हम रुख करके बता रहे क्या है पूरी जानकारी, पहली साजिश और दूसरी साजिश। आप देखिए दावा क्या है, न्यूक्लियर वॉर भड़काने की जो कोशिश है वो की गई है, रूस के दो परमाणु प्लांट पर अटैक किया जा सकता है। दावा किसका है, रोस्तिस्लाव इसचेंको जो कि रूस के रक्षा विशेषज्ञ, उनकी तरफ से यह दावा। जी हाँ, और इसमें कहा जा रहा है यूएस टैक्टिकल वॉरहेड्स के इस्तेमाल की आशंका है जो रूस ने जताई है। तो साजिश दूसरी बताई जा रही है कि ज़ापोरिज़्या और कुर्स्क प्लांट है वो निशाने पर है, यानी अपने इलाकों को निशाना बनाकर ये साजिश रची जा रही है, अपने इलाकों पर एटमी बम के इस्तेमाल की आशंका है रूस को, कि यूक्रेन यही चाहता है कि एटमी बम का इस्तेमाल करके ध्यान आकर्षित करे, रूस को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। और इसके अलावा देखिए कीव, रिप्रो या फिर ओडेसा पर अटैक किया जा सकता है, ये भी साजिश का हिस्सा है। यूक्रेनी सैनिक ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है, और इसका आरोप किस पर लगाया जाएगा, आरोप लगाया जाएगा रूस पर कि उसने हालात को और ज्यादा खराब किया। अब जरूरी बात क्या है निधि, बिल्कुल जरूरी बात यह है कि ज़ापोरिज़्या एटमी प्लांट के पास ड्रोन अटैक हो चुका है,
और ये हो चुका है, उसके बाद से खलबली बढ़ गई है। इसमें बड़ी बात यह है कि आगे चलकर क्या होगा, और सबसे पहले सबसे बड़ी बात करूँगा कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास आसपास की गतिविधि होती है तो बहुत ज्यादा खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। राजेश कुमार सर, आपसे इसी को लेकर मेरा सवाल यह है कि जिस खतरे का जिक्र किया जा रहा है, रूस जिस बात का दावा कर रहा है कि या तो खोर्स्क या फिर ज़ापोरिज़्या यहां पर हमला हो सकता है और उसके बाद तो परमाणु तबाही आना तय होगा, क्या वाकई में यूक्रेन ऐसा कोई सुसाइडल स्टेप उठाएगा? देखिए, जो ये दो एटमी पावर प्लांट हैं ज़ापोरिज़्या और कुर्स्क, रशियन टेरिटरी में है और ज़ापोरिज़्या जो है वो यूक्रेनियन टेरिटरी में है, तो अपने ही न्यूक्लियर प्लांट पे हमला करना और दूसरे के न्यूक्लियर प्लांट पे हमला करना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो अभी मेरे को ये नहीं लगता कि जो थ्रेट कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर बनी हुई है वो कहाँ तक जाएगी, क्योंकि जो अभी जो हमला कुर्स्क की तरफ हो रहा है उसका उसकी जवाबी कार्रवाई भी रशिया दे रहा है। हालांकि 18-20 किलोमीटर अंदर आ चुकी है यूक्रेन की फौज, लेकिन क्या वो उससे आगे पहुंच पाएगी और क्या वो उस पर अटैक करेगी, एक डर्टी बॉम्ब लगाएगी रशियन टेरिटरी में? क्योंकि फिर तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर तो एटमी वॉर निश्चित है, लेकिन अगर वो ज़ापोरिज़्या में कुछ करती है तो वो अपनी टेरिटरी का माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा न्यूआंस डिफरेंस है दोनों के बीच में, और मेरे हिसाब से इसीलिए ज़ापोरिज़्या पे जो ड्रोन अटैक हैं वो चले जा रहे हैं। पर IAEA जो है वो इस बात का उनको पता है, वो उनके 3-4 बार वहाँ पे IAEA की टीम भी जा चुकी है, और जो प्लांट है उसका तकरीबन जो कूलिंग सिस्टम है वो इमरजेंसी पावर पे चल रहा है, और कई बार पावर जो मेन लाइन है वो डिसरप्ट हुई है कूलिंग सिस्टम के ऊपर। हालांकि वो बिजली ज़्यादा अभी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन रिएक्टर अभी भी लाइव है। तो मेरे हिसाब से अगर ज़ापोरिज़्या के जो पावर प्लांट है उसको किसी तरह से डर्टी बॉम्ब लगा करके और उसमें रेडिएशन फैलाना है वो भी कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि जो रिएक्टर डोम है वो काफ़ी रोबस्ट होता है और इतना आसान नहीं है। ये ज़रूर पॉसिबल है कि अगर किसी तरह से उसके कूलिंग सिस्टम को तोड़ दिया जाए तो वो अपने आप मेल्टडाउन में चला जाएगा। तो किस तरह की अटैक या किस तरह का की रणनीति यूक्रेन बनाएगा ये समय ही बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यूक्रेन की तरफ से एक बहुत बड़ा, एक डेंजरस सा खेल वो खेल रहे हैं। मतलब राजेश जी, आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस पर भी संदेह है कि यूक्रेन ऐसा कर सकता है, अपने ही पाले में आकर ये अटैक कर सकता है, इस पर भी आशंका है? हालांकि आशंका रूस की तरफ से है कि यूक्रेन ऐसा कर सकता है और यूक्रेन कर रहा है।